पूर्व की सरकार में जितनी तेजी से व्यवस्थाएं बनाई जाती थी उतनी ही तेजी से वो व्यवस्थाएं ढेर भी हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनबाद नगर निगम। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व की सरकार में सब कुछ उड़ता था, हाथी भी उड़ता था, पैसे भी उड़ते थे और साथ में उड़ता था आम लोगों का सपना। यकीन न हो तो धनबाद नगर निगम के हीरापुर कॉम्पैक्ट परिसर में खड़े कबाड़ को देखिए। पूर्व सरकार में जब इन्हें करोड़ों की लागत से खरीदा गया था तो ये चमाचम रहती थी। शहरवासी भी खुश थे कि अब उनका मोहल्ला चमकेगा, गलियां चमकेंगी, लेकिन इंतजार करते शहरवासियों के द्वार से कूड़ा तो नहीं उठा, ये गाड़ियां जरूर कबाड़ बन गई। इस बॉब कट सफाई गाड़ी को देख लीजिए, कीमत 22 लाख और अब महज 26,000 की मरम्मती के अभाव में बेकार पड़ी है। यहाँ खड़ी लगभग सभी गाड़ियां कुछ हजार के खर्च के बाद काम लेने लायक हो सकती है, लेकिन कौन उठाएगा जहमत जब नई गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। ये कब से पड़ा हुआ है, ये चाहे जेसीबी मशीन है चाहे वो सर, इसका अंदाजा हमको नहीं है सर। अच्छा। इसलिए बता रहे हैं हालत में है अभी ये सब गाड़ियां। ये जो है ना, अभी 4 महीना से हम यहाँ पे ड्यूटी पकड़े, हमको मालूम नहीं है कितना दिन से पड़ा था, हम कैसे झूठ साथ। अच्छा, फायदा नहीं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा का कहना है कि पूर्व की सरकार किसी भी तरह की व्यवस्था बहाल करने में देर नहीं लगाती थी। जब जहां जैसी जरूरत पड़ती थी तुरंत उस पर फैसला ले लिया जाता था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही ने उन व्यवस्थाओं को बदहाल कर दिया। मशीन आया था वो सब खड़ा होकर सड़ रहा है, जो कुछ फॉगिंग वॉगिंग का भी शायद आया था वो सब कहीं रोड पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये तो मामूली खर्चे के लिए सफाई भी इस्तेमाल होने वाली चीज़। हाँ नहीं, छोटे छोटे चीज के लिए भी बड़े बड़े काम को छोड़ दिया जाता है। 1,000, 2,000, 5,000 में जो चीज बन जाने वाला है उसको छोड़ करके लाखों करोड़ों लाखों का चीज सड़ा दिया जाता है। ये नमूना है सरकारी तंत्र के काम करने। लेकिन अब जबकि राज का निजाम बदल गया है तो निगम के अधिकारियों को अपना मिजाज भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। तभी तो वर्तमान नगर आयुक्त भी अब इन गाड़ियों का मरम्मती की बात करने लगे हैं। मोटा मोटी सिर्फ मशीन ही नहीं, हम करीब 15 से 20 जो हमारे सफाई के जो साधन हैं, ट्रैक्टर हैं, बॉबकट मशीन हैं, ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जेसीबी भी है। तो हम लोगों ने अभी प्रारंभिक प्राकलन 7 लाख रुपये का बनाया है, जो कि अगर आज के डेट में उसकी खरीदारी करें तो 2.5 करोड़ रुपये के आसपास होता है, उसमें हम लोग उसको चलाएँ। महज 7 लाख रुपए में ये करोड़ों की गाड़ियां वापस इस्तेमाल लायक बन सकती हैं, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नई गाड़ी की खरीदारी में जो कमीशन मिलता है वो मरम्मती में कहां से मिल पाता। हालांकि सरकार की कार्यप्रणाली ने उन्हें इतना तो जरूर चेता दिया है कि अब महाराज के माल पर मिर्जा की होली नहीं खेली जा सकेगी। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि धनबाद नगर निगम में करोड़ों की लागत से गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही है, और जैसे इस गाड़ी के बारे में बताया था ये बॉब कट है, मतलब कई गल्ले मोहल्ले में जहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां पे साफ सफाई के लिए ये काम आते। नगर आयुक्त ने जो है पहल किया है और 7 लाख रुपए की लागत से इन सभी गाड़ियों की मरम्मती के निर्देश दिए गए हैं। यानी 7 लाख में ये जो 2.5 करोड़ का बेकार पड़ा हुआ गाड़ी है ये फिर से चालू हालत में पहुँच जाएंगी। सोचिए पिछले कार्यकाल में, पिछले समय में जो अधिकारी थे वो किस प्रकार से इन सारी चीजों को लेकर बेपरवाह बने हुए थे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद।